विजेंद्र भैया राम राम। राम राम जय राम राम। क्या कौन सी फसल करते हो आप उद्यान की हार्टिकल्चर की? लहसुन, लहसुन की करते हैं। लहसुन जी, लहसुन। लहसुन में एक एकड़ में कितना खर्चा आता है? एक एकड़ में 10,000 रुपये। 10,000? और लगभग कितने का बिक जाता है जब फसल ठीक ठाक आ जाए तो? ठीक ठाक ये छह, ये कम से कम 300 क्विंटल हो जाता है अपने को। अच्छा, 300 क्विंटल। तीन एकड़ में। और रेट पे रहता होगा कि कितना फायदा होगा या? हाँ, रेट पे रहता है वो। आज कुछ चल रहा है तो सबसे मिल जाते हैं, तीन एक लाख रुपये अपने को मिल जाता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, कि ये कृषि बिल में प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था और की है। उन्हें ये किया है कि किसान चाहे तो फसल बोते समय, हाँ, अगर कोई से करार हो जाता और वो तय करता है कि मैं लहसुन के इतने 1,000 रुपया क्विंटल दूंगा, हाँ, पहले से ही बोते समय पता चल जाए और आपकी और व्यापारी की पट जाए। अगर कहा कि 10,000 रुपया क्विंटल दूंगा व्यापारी ने, एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, और आपको लगे कि 10,000 ठीक है, एक क्विंटल के अगर मैं बोता हूँ तो खाद में बीज में इतना खर्चा लगता है, पहले ही बोते समय पता कि इतने रुपया मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई बुराई तो नहीं है? कुछ भी बुराई नहीं, और जो भी कर रहे हो हमारे हित के लिए कर रहे हो, किसान के हित के लिए कर रहे हो आप। तो किसान ये दूसरा प्रावधान है कि भाई जहाँ चाहो, अगर कोई व्यापारी आया, कोई कंपनी आई और उसने कह दिया कि मैं सोयाबीन 5,000 रुपया क्विंटल लूंगा आपका, वो भैया किसान को पटेगा तो करेगा, नहीं पटेगा तो नहीं करेगा, जबरदस्ती तो है ही नहीं कोई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।